नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल ताप्ती अर्जुन। आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल पुलिस कंट्रोल रूम में बैतूल पुलिस अधीक्षक सुश्री सीमाला प्रसाद ने एक दिन पूर्व हुए विवाद का किया निराकरण। दोनों समुदाय के लोगों के साथ की शांति समिति की बैठक। बैठक के दौरान दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को माला पहनाकर गिले शिकवे किए दूर। चिचोली ग्राम चूड़िया में गौवन से भरे एक पिकअप ने कार और बाइक को मारी टक्कर। मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने पिकअप वाहन चालक को किया मौके से गिरफ्तार। चूड़िया स्थित झंडा चौक में देर रात की घटना। सानी बीती देर रात को अनियंत्रित होकर पलटा राख से भरा बल्कर। हादसे में बल्कर चालक हुआ घायल। रात करीब 12:30 बजे की घटना। बैतूल नसीराबाद चिचोली में मजदूरी कर रही महिला की हादसे में हुई मौत। भवन निर्माण में मजदूरी कर रही थी सीमा कुमरे, उम्र 26 वर्ष। सिर पर सीमेंट की बोरी रखकर ले जाने के दौरान गले पर गिरी बोरी। बैतूल उड़दन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं ने वृद्धाश्रम में प्रदान की भोजन सामग्री, नगद राशि करी भेंट। बैतूल शासकीय कन्या महाविद्यालय में कल छात्राओं को दिलाई गई स्वच्छता की शपथ। ब्रांड एम्बेसडर नेहा गर्ग भी रही उपस्थित। बैतूल सदर बाजार में प्रतिवर्षानुसार मटकी फोड़ प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। युवाओं द्वारा बहुत से प्रयासों के बाद आखिरकार फोड़ दी गई मटकी। मुलताई ग्राम जौलखेड़ा में शराब के नशे में युवक दिनेश कोल्ले ने पिया फिनाइल। 19 अगस्त का मामला। फिलहाल जिला अस्पताल में जारी है इलाज। बैतूल बाजार थाना पुलिस ने 2020 में ग्राम आरुल निवासी युवक लखन उइके पर अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में कल वारंटी को किया गिरफ्तार। मेडिकल कराकर भेजा गया जेल। मुलताई सवासन में आयोजित हुआ सवासन मेला। शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री मुलताई विधायक श्री सुखदेव पांसे, मां सवासना से लिया आशीर्वाद। मुलताई आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल मुलताई नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। मुलताई पिछले 4 सालों से मलेरिया का एक भी केस नहीं आया सामने। कल विश्व मच्छर दिवस के अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं को मलेरिया से बचने के संबंध में दिलाई गई शपथ। मुलताई शासकीय कॉलेज मुलताई के पास सीमेंट के सिलपट से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। चंदोरा खुर्द ले जाई जा रही थी ट्रॉली। ट्रॉली चालक अजय ने दी जानकारी। बताया ट्रॉली को रिवर्स करने के दौरान हुआ हादसा। मुलताई ग्राम बानूर में मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। आर्मी जवान सूरज डोंगरे ने फोड़ी माखन मटकी। आमला लाखापुर गांव में जन्माष्टमी रैली यात्रा में डीजे संचालक हसलपुर निवासी जसवंत निरापुरे के साथ 3 अज्ञात लोगों ने की मारपीट। थाने में शिकायत हुई दर्ज। शाहपुर स्ट्रीट लाइट के लिए लगाए जा रहे हैं पोल। कल नगर परिषद अध्यक्ष विक्की नायक ने मौका स्थल पर पहुंचकर किया निरीक्षण। देखी गुणवत्ता।
घोड़ा डोंगरी कोयलारी जोड़ पर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, बाल बाल बचे कार सवार लोग। कल शाम 4 बजे का हादसा, कार के एयरबैग खुलने की वजह से कार सवार सभी लोग दुर्घटना में बचे। रानीपुर की ओर जा रही थी कार। भैंस दही, करीब 2.5 महीने पहले युवक के अपहरण और उसकी हत्या किए जाने के मामले में फरार कुख्यात आरोपी भीम उर्फ अनूप सोनेकर को कल भैंसदेही पुलिस ने किया गिरफ्तार। भैंसदेही पुलिस ने सादिक सौदागर हत्याकांड मामले में फरार चल रहे एक अन्य आरोपी को भी घेराबंदी करके पकड़ा। भैंसदेही थाना प्रभारी सतीश कुमार अंधवान ने दी जानकारी। भैंसदेही क्षेत्र में अधिक बारिश होने के कारण खेतों में भरा पानी, खेत हुए तालाब में तब्दील, खराब होती नजर आ रही है सोयाबीन की फसलें, किसान चिंतित। आठनेर जनपद अध्यक्ष रोशनी इब्ने ने जनपद क्षेत्र खैरवाड़ा में देर रात पहुंचकर मनाया कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। हनुमान मंदिर में पहुंचे अन्य भाजपा के नेता, श्री कृष्ण की पालकी को दिया झूला। तो ये थी बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।